हाँ तो फ्रेंड देखिए, अभी जैसे कि पूजा पाठ हो रहा है, अब जब चंदा मामा उग गए हैं, अब बाहर जाना पड़ेगा इनको, तो देख के जल्दी से कुछ खाने को मिल जाएगा। हमको भी भूख लगा है साथ साथ में। अभी व्रत है क्या? अरे बरस से ज़्यादा भूख लगा है, देख देख के इतना बढ़िया बढ़िया सामान है, देख कैसे भूख लगल भजन। तो जब तक पूजा पाठ हुई नहीं तब तक कोनो लड़के खाई नहीं, सब बच्चे हमको भी भूखे हैं, भूख लगा इसको भी है, भूख लगा है, तुमको भी भूख लगा है ना, खूब सबको भूख लगा है लगा है। बस। शिक्षा बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था। इस परंतु आपको छोटी पढ़ने भी नहीं आ रहा, छोटी रुकिए मैं पढ़ के मायके सुना में देता कोई हूँ। नहीं ए रिया था, कैमरा पकड़ो तो तो। वह घर का सारा काम काज करती, हाँ हटो, सबकी सेवा करती, पर दूर कोई रखो, लाओ भी मैं पढ़ के सुना दे इससे रहा हूँ। प्यार। तेज तेज पढ़िएगा ताकि सबको सुनाई दे। हम दिख सिहागी, रहा है चंद्रिया? नहीं हाँ दिख रहा है, इधर पूरा पलेवा करवा सुन चौथ चुकी। व्रत कथा है। यह व्रत अति प्राचीन है और बहुत ही महाभारत से पूर्व पहले से ही शुरू हो गया था। ये तो सुहागिन स्त्रियों के लिए अगर व्रत है, ये अगर आपको व्रत करना है तो सुबह सुबह उठ के पति के पैर छू पहले छुआ जाता है। पति के पैर छूने के बाद उस उनको एक चाय बना के दिया जाता कहाँ है। लिखल बा क्या लिखा, अभी पूरा सुन यार, लीजिए। पूजा में भी मजाक करते हैं। पूजा नहीं, सही है लिखा हुआ। देखिए, पति को एक सुबह मतलब सुबह हम चाय पढ़ले बना नहीं दी, बटे। सुबह पति को एक चाय बना के दीजिए। उसके बाद पति को कपड़ा उपड़ा जितना हो सब धुल दीजिए। आप पति का सर दबा के रात को सुला दीजिए। नहीं नहीं सही पढ़ रहे हैं। और नारी तो एकदम गंगा की तरह शीतल होती है, जैसे कितना भी उसमें गंदगी हो, जैसे मान लीजिए गाली वाली पति देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से सुन लेना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया की तरह शीतल होना चाहिए और दुर्गा की तरह टाइट होना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई काम करना हो तो उसके लिए जैसे दुर्गा माता एकदम चंडी का रूप ले लेती हैं, तो घर में अगर कोई काम करना हो, पोछा मारना हो, झाड़ू मारना हो, तो उसके लिए आपको कुछ चंडी, नहीं लिखा है, ए ठीक देखो है? देखो, चंडी का रूप ले लेती हैं चांद काम के लिए। उगाया है, अर्ध दे दो लिखा है, अर्धना यार है, ये नीचवा वाला देख। लाइन पूरा सुन लो पहले। तो उसको काम उम करना चाहिए। और पति अगर हे कह करवा चौथ माता, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका पूजा, आप जानती है कि पहले ही कर लिया था। इस पूरी किताब को मैंने पहले पढ़ लिया था, आपकी आरती भी कर लिया था, और ये जो वीडियो बन रही है, आप लोग से मैं क्षमा चाहूंगी, ये वीडियो बन रही है, क्षमा इसको आप लोग थोड़ा भी सीरियस मत लीजिएगा, ये मस्ती कर रहे थे दोबारा, और सॉरी आप लोगों को, इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि चौथ के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, तो ये अभी बहुत सब गलत कुछ हो हुआ। गया है। सारा काम हो गया है, मत हाँ सोचिएगा कि भाभी जी पूजा नहीं किए, हम दोनों लोग बैठ के पूजा कर रहे थे, इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, और मोबाइल में भी मतलब वीडियो अपलोडिंग में लगा था, इस वजह से वीडियो भी नहीं बन पाया है। वैसे तो ये खैर, सही बात है ना भाई साहब, आप लोग थोड़ा कैमरा दूर करो जी, ये सब चीज तो सही है ना। पति को पहले पहले उठ के एक चाय देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, औरत एकदम गंगा की तरह शीतल होना चाहिए, कि कोई कितना भी मारे पीटे पर उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और दुर्गा की तरह चंडी काली जो भी हो रूप ले लेना चाहिए काम के जगह। जब काम हो, जैसे कपड़ा धुलना हो, घर में खाना बनाना हो, तब चंडी रूप लेना चाहिए, बल्कि लड़ने के लिए चंडी रूप नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। सही कभी आप ना? लोग देखिए हम लोग का जोड़ी कैसा लग रहा है, और दम वैक्सीन उठा लेना। लल्लन अरे टॉप अरे लग क्या रहा है। बोल लाइक देंगे। हमार अरे खतरनाक बोला तो ये दादा ने, लल्लन टॉप हमन के लगाता ही रिया यार। छोड़ो, चलो भाग से दो चलो।